सत्यवादी सत्युग में गोरा आधार हले बबुरवा हम सत्यवादी धर्मनिष्ठ। एक दिन उनका मन में विचार भाई शिकार खेले के चल चले सेना साज के घोड़ा पर सवार कमर में तलवार तरकस में बाण कान पर धनुष लेके जैसे ना साज नौ बाज पर चढ़ के कसले लन तलवार अगर दाऊड़ा खेल चल राजा जी गरदा उड़ाओ खेल चल राजा जी सिका बिंजू के लाइन का भाई हमारा के सुरेंद्र यादव जी गोपाल नगर अनगिनत रुपया पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा भाई रविंदर यादव जी गोपाल नगर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने भाई राजू यादव जी हमारा प्रधान जी के छोट भाई बड़े अपने दादाजी के इस श्राद्ध कर्म में हजारों हजार रुपया पुरस्कार देने कहाँ से इतना खुजूरा जुटौले रहल फिर हमारा के सुरेंद्र यादव बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार देनी गोपाल नगर भैया राम जी चौधरी टोला पर हमारा के 100 रुपया पुरस्कार दिले राम जी भैया के नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना बा भाई रविंद्र यादव जी गोपाल नगर का धरती से हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन ए ठाट बात के काटन रहे लात में रहले उठत रे खूबसूरत भेष मोतियन सुटपक बसेना फिर हमारा के मदनगिरी जी शिव मंदिर के पुजारी से 100 रुपया पुरस्कार देनी बाबा के गोला गता नहीं रहिया में देखे देव करा लागे धरनिहा अगर दाउड़ा खेल चल राजा जी राजा शिकार का विचार सुगले देखिन ना है भेजला का जरूरत नहीं खेजे भीबा भीतरी हो जा भेजला का जरूरत नहीं खे भागो से भेजलो जला राजा शिकार का विचार सुगले को हरिफ के देखले आ तर्क से तीर निकाल के धनुष पर निशाना साध के मार देले लेकिन मृग जंगल का भीतरी भागल घोर जंगल में पहुंचल राजा परेशान हो गए लेकिन मृग उनका हाथ ना लगल सेना बहुत पीछा छूट गई प्यास से तड़पे लगले वो जंगल के अंदर एगो सुंदर सरोवर तालाब देखले जाके अपने पानी पीले घोड़ा के पानी पिया के बट वृक्ष के नीचे घोड़ा के बांध के राजा आराम कर लगले वही बट वृक्ष में एगो प्रेत आत्मा बहुत दिन से वास करते रहे उतर के राजा के हाथ जोड़ के कहत दर्शन पाके मनवा चमके आ जैसे चमके जानी हो राजा ज्ञान आए है हमारा जिंदगी के कारुल गाथा भटकता नहीं बहुत दिन से भटकता नहीं बहुत दिन से जब ये बात कहलस राजा के आंख खुलल कहल हे प्रेत ऐसे हमरा मतलब का कहल मतलब बा महाराज रौरे देश के
सुदेव नाम के व्यापारी हवे, अन्धन सोना चांदी हीरा जवाहरात हमारा खजाना में भरल है। अफसोस जे हमारा मुएला के बाद हमारा खानदान में ऐसा केहू बाच ना गोई रहे जौन हमार श्राद्ध कर्म कर दे। हे राजा एगो लाल लो हमार श्राद्ध कर दो, कहे जे शास्त्र बतावता जे नगर के मालिक के जिम्मेदारी होले जे आदमी असहाय होके जेकरा खानदान में केहू ना होके ओकर मृत्यु हो जाए तो ओकर श्राद्ध कर्म ओ गांव के मालिक मुखिया के कइल जिम्मेदारी बनत। राजा लाल लेले ओ प्रेत आत्मा के बात पर विचार कइले, सुबह का बेरा पंडित जी के बुलवा के आ मैं बात बतौले, पंडित जी एकर समाधान बतौले तो कैसे हो। जय नारी बन के हो, अरे नारी बन के राजा जी जब फूंक देले पूता, रविंदर पानी में भिजता रहतो तोहरे पधार गिरता। जय हो बाबू हमारा रविंदर यादव जी गोपाल नगर का धरती से बड़े बड़े पुरस्कार दिले। हमारा संजय प्रधान जी जेकरा दादाजी के श्राद्ध में आयल बानी जा हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले। हार्दिक अभिनंदन सुखबा तारो दोनों भाई भिजता रहो। ए राजा जी फूंक देले पूता ना नारी बन हले घर चल हले पाँच मोर हमारा सेगा मंदिर के पुजारी बानी मदन गिरी जी बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार देनी। बाबा के नमस्कार प्रणाम। बिहने बांध दिहले घर चल हले पाँच मोर बिहने दुधामा लगावले बाबा तारी बन के राजा जंगल पुताला तारी बन तो हमने के शास्त्र बताओ तो बाबूजी जे श्राद्ध कर्म जब से नवा धान डाला वो आत्मा को होती जैसे सुख मिले लगेला। जे मुहे आगी दियाई आ काम क्रिया न धाई तो जनह की स्वर्ग हो। ब्राह्मण गाय के कराई जे भोजन कुल खानदान के उठा ली जे भिक्षु भिक्षी मांगा और डोम के खियाई तो जनहकी असल बेरा पर बजवाई जे बाजा अमृत कया तमाम होई है स्वर्ग। शास्त्र में लिखल लिखे हम कहतनी जे सामीनाथ कमल वास के गवनई कराई तो बुझिहा कि स्वर्ग हो। हमने के शास्त्र बतावत आदि जौन आदमी के मृत्यु भइला के बाद श्राद्ध कर्म ना होला ओकर आत्मा प्रेत योनि में भटकेला। श्राद्ध हो जाला उ आत्मा अपना उचित स्थान पर चल जाले। हमने के प्रसंग में हिजा विराम बोलिए शंकर भगवान की जय।